अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अरुबा आसिम और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कम कीमत रिहायशी मंसूबे की जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। हम बात कर रहे हैं इंडस इनक्लेव की, जहां सिर्फ 300 रुपए रोजाना बचा के आप बना सकते हैं अपना विला। अपने ख्वाबों के घर को दें एक हकीकत का रंग। इस प्रोजेक्ट के हवाले से मजीद मालूमात हासिल करने के लिए हमने अपने शो में इन्वाइट किया है रियल स्टेट एक्सपर्ट मिस्टर वजी को। तो आइए उन्हें अपने शो में इन्वाइट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम वजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूं। रूपा, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूं। वजी, एज एन रियल स्टेट एक्सपर्ट, आपके पास बहुत से इन्वेस्टर्स आते होंगे जो कम कीमत में एक अच्छी सरमायाकारी करना चाहते होंगे, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं जो कि कम बजट में देखना चाहते हैं, तो हम उनको बिल्कुल वही सजेस्ट करते हैं जो कि इंडस इनक्लेव में एक आसान पे जो हम विला अलॉट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर मैं इस कम कीमत रिहायशी मंसूबे की आपसे डिटेल्स लूँ कि ये कितने स्क्वायर यार्ड के यहाँ पे विलाज अवेलेबल है, सेकेंडली इसकी लोकेशन क्या है? अच्छा बिल्कुल अरुबस, की हम लोकेशन की अगर बात करें तो ये मेन M9 मोटरवे पे वाक्य है, जो कि आपने अलीबाबा CNG पंप देखा होगा। इसके वेरी नियर ये हमारी सोसाइटी बनने जा रही है, जो कि अल अशरफ ग्रुप ऑफ कंपनी की इंडस इनक्लेव के नाम से है। बहुत से इन्वेस्टर्स के हमें ये सवालात मौसूल होते हैं कि नूरियाबाद को लोगों के जहन में ये कि जंगल है, शहर से दूर है, वहाँ पे आबादी नहीं, तो इस तरह के सवालात को आप कैसे डील करते हैं? बिल्कुल, सवाल इस तरह के आते भी हैं, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि इंडस इनक्लेव जो वाकई है नूरियाबाद पे है, और नूरियाबाद पहले से ही डेवलप्ड है। वहाँ पे आपकी एक देखा इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे लोगों का बहुत फ्लो है, पहले से ही डेवलप्ड है, तो इस तरीके से लोगों का सवाल होता है। हम उसको इस तरीके से देखते हैं कि लोगों का फ्लो बहुत है वहाँ पे, आबाद है पहले से नूरियाबाद। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो इस बहुत से और भी कम कीमत रिहायशी मंसूबे, एक इन्वेस्टर इसी में क्यों इन्वेस्ट करे, ऐसे क्या फीचर्स हैं इस प्रोजेक्ट के? बिल्कुल, इसके जो फीचर वो इस तरह है कि इसको जो है बड़े टाउनशिप को लेते हुए इसको बनाया गया है। इसमें जो है इसकी जो सिस्टमेटिक थीम है वो ये है कि रिहायश और रोजगार साथ साथ। इस इंडस इनक्लेव जो कि 500 एकड़ की सोसाइटी है, इसमें आपको रिहायश रोजगार साथ साथ मिलेगा। इसमें हमारे पास 3 जोन है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल। इस वजह से ये बहुत फेमस भी है और लोग इस पर ज़्यादा इनका फ्लो भी है। ये 500 एकड़ का जो लैंड एरिया, इसी के अंदर ये तीनों जोन्स इंक्लूडेड हैं? जी बिल्कुल, इसी के अंदर तीनों जोन इंक्लूड्स हैं। और ये NOC वाइज ये प्रोजेक्ट क्लियर है? जी बिल्कुल, ये NOC वाइज बिल्कुल क्लियर है। SBCS इन बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है और 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी अप्रूव्ड है। अच्छा, यूजुअली इन्वेस्टर्स जो है दूर इन्वेस्ट करते हुए डर रहे होते हैं, या अगर मैं ओवरसीज इन्वेस्टर्स की बात करूं तो उनके भी बहुत से खदशात होते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट को लेके, तो उन्हें आप कैसे मुतमइन करते हैं और उनका बुकिंग का क्या तरीका है कारो? ओवरसीज इन्वेस्टमेंट देखें, इसमें यू भी अच्छी है कि इंडस इनक्लेव जो वाक्य है मेन M9 मोटरवे पे है और ये लीगली अप्रूव्ड है, जिसकी वजह से आपको इन्वेस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। इसमें आपको हर तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिलते हैं और ये बहुत ईजी और बिल्कुल रिलायबल प्रोजेक्ट है, इस वजह से इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं इसमें। अच्छा मिस्टर वजी, हमने माजी में भी इस प्रोजेक्ट पे वीडियोस किए, तो इस प्रोजेक्ट की जो यूनिक बात है वो ये कि आप इसमें जो ना किराए की सूरत में अपनी इंस्टॉलमेंट देंगे, तो ये क्या चीज़ है? बिल्कुल, इसमें ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसमें बेसिकली ये है कि हम इसकी जो पोजीशन टाइम पीरियड है वो हम 18 मंथ्स में दे रहे हैं। 18 मंथ्स के बाद आप इसमें खुद भी रह सकते हैं, भले आप खुद ना रहें, आप किसी रेंट पर चढ़ा दें, जो इसका रेंट है उसकी आप रेंट से इसकी जो है इंस्टॉलमेंट आप इसकी पे कर सकते हैं। तो ये एक उन लोगों के लिए है कि जो लोग अपने घर नहीं कर पा रहे हैं और रेंट पर रह रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ईजी और फैसिलेशन हमने प्रोवाइड किए उनको। और कम से कम कितने अमाउंट से आप इस प्रोजेक्ट में बुकिंग करा सकते हैं? इसकी बुकिंग अमाउंट जो है 10,000 बुकिंग अमाउंट है इसकी, आप उससे बुकिंग करवा सकते हैं। और फिर इसके जो मंथली है एक हमारे 80 स्क्वायर यार्ड का, वो 9,000 रुपये जस्ट महाना है। अच्छा, सिर्फ 9,000 महाना देना, और इसकी डाउन पेमेंट क्या हो? मतलब अगर कम से कम मेरे पास बहुत अमाउंट कम है तो मैं बुकिंग कितने कम अमाउंट से करवा सकती हूँ? अच्छा, इसकी अगर हम बुकिंग की बात करें तो 10,000 रुपये इसकी बुकिंग है फीस, और इसकी जो टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 12 लाख इसकी टोटल एक अच्छी गज के विला की एक वैल्यू है, जो कि 9,000 रुपये जस्ट महाना है। और अगर कोई क्लाइंट इंटरेस्टेड हो, इन्वेस्टर जिसको इस प्रोजेक्ट में बाइंग करनी हो, तो वो किस तरह आपको अप्रोच कर सकते हैं, क्या बुकिंग का तरीका कार होगा? इसकी बुकिंग बिल्कुल हो सकती है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, और हमारा ऑफिस गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में है, आप वहाँ पे भी आकर विजिट कर सकते हैं और इसीलिए आप हमारी बुकिंग करवा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर वजी हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए। जी नाज़रीन, ये तो हमारे रियल स्टेट एक्सपर्ट मिस्टर वजी थे, जिन्होंने बताया कि अगर आप कम कीमत में अपने घर का ख्वाब देखते हैं तो उसे पूरा आप कैसे कर सकते हैं। तो सोच क्या रहे हैं, अभी नीचे दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता करें और दें अपने घर के ख्वाब को हकीकत करें। तब तक मैं अपनी होस्ट को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।